हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पास फूड कोर्ट। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही फेमस पार्टी स्टार्टर, पनीर टिक्का। बहुत टेस्टी, वो भी बिना तंदूर के। इसे बनाना काफ़ी आसान है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। 3-4 चम्मच आप एक पैन में तेल ले लें और इसे अच्छे से धुआं निकलते तक आपको गर्म करना है। सरसों के तेल से पनीर टिक्का का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप दही लिया है। मैरिनेशन के लिए फ्रेश और रूम टेम्परेचर का दही लें। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच, साथ ही इसमें जाएगा जीरा का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच चाट मसाला, रोस्टेड बेसन पाउडर मैंने इसमें डाला है 1/2 कप। थोड़ा बेसन को रोस्ट कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं जिंजर गार्लिक की क्वांटिटी। नमक मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि चाट मसाला में ऑलरेडी नमक है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और रेड चिली पाउडर को मिक्स करके डाला है। लेमन जूस डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून। कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथ से क्रश करते हुए इसमें डालना है। फाइनली ये तेल जो हमने गर्म करके ठंडा किया है वो डाल रहे हैं। तेल पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, लेकिन हल्का सा एक जो ल्यूकवॉर्म रहता है बस उतना ही गर्म रहे तो इसमें हमें मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। सरसों के तेल से पनीर टिक्का का फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हांस हो जाता है, तो आप ट्राई करें कि सरसों के तेल में ही इसे बनाएं। आगे यहाँ पे मैंने कुछ शिमला मिर्च और प्याज ली है बड़े बड़े पीसेस में। 200 ग्राम यहाँ पे पनीर लिया है। बड़े बड़े पीसेस में पनीर को भी हम काटेंगे और इसे अब हमें हाथ से मिक्स करना है काफ़ी जेंटली, ताकि ये सारा मसाला जो है पनीर और शिमला मिर्च पे अच्छे से कोट हो जाए। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि पनीर टूटे ना, तो हाथों से इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि पूरे मसाले जो हैं यूनिफॉर्मली अच्छे से पनीर के ऊपर लग जाए। तो ये पूरा जो मसाला है अच्छे से लग चुका है और अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। कुछ लकड़ी के स्कीवर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं और पानी में भिगो के 1 घंटे के लिए इसे रखा है। स्कीवर्स लकड़ी के हैं तो पानी में भिगो देने से ये जलेंगे नहीं और इनमें किसी तरह का सेकते समय प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे एक पनीर, कैप्सिकम और प्याज इस तरीके से आप प्रिक करते जाएं और एक पूरी इसकी आप लेयर बना लें। तो 200 ग्राम पनीर में 3 से 4 स्कीवर्स बनते हैं। थोड़ा साइज़ पे भी डिपेंड करेगा, अगर बड़ी है आपकी ये वुडन स्टिक तो ज़्यादा लगेंगी इसमें। तो मेरी इस क्वांटिटी में नॉर्मल साइज़ की ये जो स्कीवर्स है इसमें इस तरीके से 3 स्टिक्स अच्छे से बन गई है। आगे हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है एक तवे को। नॉनस्टिक तवे का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और एकदम गरम गरम तवे के ऊपर ये स्टिक्स हमें रखनी है और अलट पलट करते हुए हमें इन्हें सेक लेना है। सारे साइड से सेकने के लिए आप ट्राई करें इन्हें पलटते हुए, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा तेल जो है वो ब्रश अप कर देंगे हम। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है, तो 5 to 6 मिनट्स में ये अच्छे से सिक जाएगी हाई फ्लेम पे और इनमें से एक बहुत अच्छी स्मोकी फ्रेग्रेंस आ रही है। टेस्ट एकदम लाजवाब लगता है इस पनीर टिक्के का, तो एक बार ऐसे ही पनीर टिक्का ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।